नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रसिद्ध मरु शहर जैसलमेर में घूमने की टॉप 10 जगहों के बारे में, जहां पर आप सभी घूमने का भरपूर मजा ले सकते हैं। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नंबर 10 की, जैन टेम्पल। जैसलमेर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक यह मंदिर 7 मंदिरों का समूह है, जिसका निर्माण एक जैसे पत्थरों से किया गया है और यह मंदिर जैसलमेर किले के अंदर मौजूद अपनी स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है और इसकी दीवारों को खूबसूरत चित्रों से भी सजाया गया है। अगर आप धर्म में आस्था रखते हैं तो ऐसी ऐतिहासिक मंदिरों को जरूर देखने जाएं। नंबर 9, गढ़ीसर लेक। 14वीं शताब्दी में महारावल गढ़सी द्वारा बनवाया गया यह झील जैसलमेर में कभी न सूखने वाली झीलों में से एक है और यहां आप झील में बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से टूरिस्ट जैसलमेर पहुंचने के बाद इस झील में बोटिंग का आनंद जरूर लेने आते हैं। नंबर 8 के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को एक बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगी, जिसका नाम है क्यूटेक्स, जहां आप सभी स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो करेंसी, मेटल में ट्रेड करके रियल कैश अर्न कर सकते हैं और इसमें आप सभी को $10,000 डेमो अकाउंट में दिए जाते हैं, जिसको यूज करके आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप अपना रियल कैश इन्वेस्ट करके रियल कैश अर्न कर सकते हैं। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाकर के आप साइन अप कर लीजिए। नंबर 8, सैम सैंड ड्यूज। जैसलमेर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सैम सैंड ड्यूज में आप रेगिस्तान के जहाज, ऊंट या फिर जीप से सफारी का मजा ले सकते हैं और यहाँ हर साल फरवरी और मार्च के महीने में डेजर्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसे देखने के लिए टूरिस्ट की भीड़ हमेशा लगी रहती है। नंबर 7, नथमल जी की हवेली। स्थापत्य शैली में निर्मित यह हवेली जैसलमेर शहर के मध्य में मौजूद है और इस हवेली की दीवारों को कई खूबसूरत चित्रों से सजाया गया है, जिसकी सुंदरता टूरिस्ट को यहां आने के लिए मजबूर कर देती है और इस हवेली का निर्माण महारावल वेसियल ने दीवान नथमल जी के लिए करवाया था। नंबर 6, वॉर म्यूजियम। भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध के दौरान प्रयोग किए गए हथियारों को आप यहां पर देख सकते हैं और यह संग्रहालय जैसलमेर शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहुत ही खूबसूरत संग्रहालय है, जहां टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। नंबर 5, डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान के सबसे बड़े वन्य जीव अभयारण्य में से एक इस पार्क में आपको कई प्रकार के वन्य जीवों और पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिल जाएंगी और वन्य जीव प्रेमियों के लिए यह पार्क स्वर्ग से कम नहीं है। नंबर 4, तनोट माता टेम्पल। जैसलमेर जिले के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से यह मंदिर चमत्कारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इस मंदिर की देखभाल BSF के जवान करते हैं और यह मंदिर जैसलमेर शहर से लगभग 118 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नंबर 3, पटवों की हवेली। जैसलमेर का बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल इस परिसर में 5 हवेलियों का समूह है और 60 बालकनियां हैं, जिसकी जटिल नक्काशियां देखने लायक है। इसके अलावा यहीं पर एक संग्रहालय भी मौजूद है, जहां पर आपको पटवा परिवार से संबंधित दुर्लभ कलाकृतियों का संग्रह भी देखने को मिलता है। नंबर 2, बड़ा बाग। जैसलमेर में छोटी सी पहाड़ी पर स्थित यह बाग शाही परिवारों के मकबरों की श्रृंखला यानी कि एक उद्यान परिसर है और यहीं पर टूरिस्ट यहां के शांत वातावरण में भ्रमण करने आते हैं। नंबर 1, जैसलमेर का किला। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल यह किला भारत के सबसे प्राचीन किलों में से एक है, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था और इस किले से आप सूर्योदय और सूर्यास्त का नजारा देख सकते हैं, जो कि दिखने में एकदम सोने के रंग जैसा दिखाई पड़ता है और यहीं पर आप शाही महल, 7 जैन मंदिर और लक्ष्मीनाथ मंदिर के खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहर को आप देख सकते हैं। दोस्तों और भी ऐसी कई सारी जगह है जैसलमेर में, जहां पर आप सभी घूमने का भरपूर आनंद ले सकते हैं, जैसे सलाम सिंह की हवेली, द थार हेरिटेज म्यूजियम, ताजिया टावर, कुलधारा विलेज, शांतिनाथ टेंपल, बाबा रामदेव समाधि टेंपल, पंसारी बाजार, पवन चक्की आदि जैसे जैसलमेर के टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।